नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र है। मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी अपने घर पे अच्छे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो रहेगा इसके अंदर मैं आपको वी गले में एक बहुत प्यारा डिज़ाइन बनाना बताऊँगा। आपने रेडीमेड कुर्ती देखी होंगी, जो वी गले में जो बॉर्डर लगा होता है ना, थोड़ा अलग स्टाइल से लगा होता है, तो मैं आपको सेम उसी स्टाइल से बॉर्डर लगाना बताऊँगा। यानी आप ऐसा मान के चले कि सिंपल वी गले में अगर आप इस तरीके से बॉर्डर लगाएंगे, लेस लगाएंगे, तो सिंपल जो कुर्ती है ना एकदम डिजाइनर में बदल जाएगी और कुर्ती आपकी बहुत प्यारी और सुंदर लगेगी। अब समय को वेस्ट नहीं करते हुए चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों देखें, ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है और ये इसका बैक वाला पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फ्रंट वाला पार्ट है इसी में हम वी नेक की कटिंग करेंगे। यानी कि ये जो डिजाइन बनेगा ना इसे हम बुकरम पे नहीं बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आप हाफ इंच के यहाँ पर निशान लगा लें, क्योंकि हाफ इंच चला जाएगा शोल्डर को जोड़ने में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आप गले की डीपनेस बना रहे उससे आप एक इंच एक्स्ट्रा लें। अब मैं जो डीपनेस बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा 7.5 इंच। 7.5 की जगह मैं निशान लगाऊंगा 8.5 पर। ठीक है, और यहाँ पर एक मैं बिल्कुल सीधा निशान ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, जो भी आप ब्रॉडनेस बना रहे हैं उससे आपको एक इंच एक्स्ट्रा रखना है। अब जैसे नॉर्मली जो मैं गले की ब्रॉडनेस बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ 6 इंच, 6.5 बनेगा 3 इंच। आपको 3 की जगह यहाँ से 4 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में क्या करना है, स्केल को इस तरीके से रखना है और यहाँ पर इस तरीके से एक निशान आपने ड्रॉ करना है, ये देखें। ठीक है, और इस निशान से इसकी करनी है आपको कटिंग। तो ये देखें, मैंने कपड़े के अंदर ही वीनेक की इस तरीके से कटिंग कर दी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस गले को बनाएंगे। अब बनाना किस तरीके से, एक सिंपल है, आपने कपड़ा लेना इस तरीके से और इसके ऊपर इसको इस तरीके से जमाना है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में क्या करना है, 1/2 इंच की दूरी पर आपने इस तरीके सिलाई को लगाना है इस तरीके से, और कपड़े को कट करके ये अंदर की ओर पलट देना है। ये सारा प्रोसीजर मैं आपको मशीन पे बताता हूँ। यानी कि आपको जो ये गला बनाना है ना, ये आपको कपड़े का बनाना है। इसे सारे को आप इस तरीके से कट कर दें, यहाँ से बराबर कट करें और यहाँ पे एक हल्का सा कट लगा लें सिलाई तक। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको इस तरीके से पलटना है। और अब ये जो सिलाई आपको नज़र आ रही है ना, इसके यहाँ से आप 1.5 इंच की दूरी से इस कपड़े को इसी शेप में आप ऐसे कट कर लें, देखें। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको किनारे की सिलाई लगानी है, मार्जिन को इस वाली साइड करना है। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो कपड़ा है इसको इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक कच्ची सिलाई लगानी है। किस तरीके से लगानी है, एक बार इसको ऐसे करें। ठीक है, उसके बाद में इसको इस तरीके से करें, ये वाली जो सिलाई है ये आपको नज़र आ रही होगी, इसको यहीं तक आपने फोल्ड करना है कपड़े को इस तरीके से, ऐसे फोल्ड करना है। तो ये देखिए गला मैंने बना दिया है। अब एक बार इसको अच्छे से जमा के प्रेस कर लें। तो देखें इस तरीके से आपने इसे जमा के प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद में आपने क्या करना है, यहाँ पर सेंटर आप एक निशान लगा लें ताकि इसका सेंटर आपको पता रहे। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझना। हम नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे गला है इसके ऊपर इस तरीके से बॉर्डर को लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ से 2-3 तरीके हैं इसको वापस ऐसे लेके जाने के। ठीक है, ऐसे लगाते हैं, लेकिन जो रेडीमेड सूट होता है ना उनमें क्या होता है, यहाँ की जगह यहाँ पे इसके आगे लगा होता है। ठीक है, तो मैं आपको आगे लगाना बताऊँगा और यहाँ से बताऊँ किस तरीके से सेट करना है। अब बहुत सिंपल है, इसको यहाँ पे रखें। ठीक है, बॉर्डर को इसके ऊपर बिल्कुल किनारे पे, और यहाँ पर आप एक सिलाई लगाएं। और इसमें एक बेनिफिट पता है क्या होता है, ये एक ही सिलाई में बॉर्डर लग जाता है। लग कैसे जाता है मैं आपको बताता हूँ, पहले आप देखें। इस तरीके से आपको लगाना है ये, और यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसे कट कर लें। तो देखें एक तरफ मैंने इसको लगा दिया है और यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसे छोड़ दिया है। अब आप ध्यान से देखना मैं यहाँ से बॉर्डर लगाता किस तरीके से हूँ। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। आपको क्या करना है, ये जो गला यहाँ बना हुआ है ना इसके सीध में आपने इसको इस तरीके से रखना है दूसरे वाले बॉर्डर को। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो एक्स्ट्रा निकल रहा है ना इसको आपने इस तरीके से करना है। ठीक है, और इसको आपने सिंपली इस तरीके से वापस करना है। और ये देखें जैसे हमने इसको लगाया था ना, सेम तरीके से हम इसको लगा देंगे। ठीक है, एक बार वापस से समझे, इसको मैंने इस तरीके से रखा और ये जो एक्स्ट्रा निकल रहा है इसको मैंने इस तरीके से रखा। ठीक है, और इसको इस तरीके से मैं ऊपर की तरफ ले जाऊँगा घुमा के, और ये सिंपल इस तरीके से लग जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले आप यहीं पर एक सिलाई को लगा लें इस तरीके से।
इसको ऐसे घुमाएं और ये देखें, इसको आपने इस तरीके से रखना है। और इसको एक बार वापस आप ऐसे घुमा लें, ठीक है, क्योंकि जो खुला खुला आपको दिख रहा है ना, यहाँ से मैंने इसे बंद भी करना है इस तरीके से। और इसको इस तरीके से घुमा लें और जो भी आपको नज़र आ रही लेस इसको अंदर की तरफ डाल दें। अब सिंपली क्या है, जैसे हमने इसको लगाया था ना, सेम आपने एक स्लाइस इसको भी लगा लेना है। तो देखें दोस्तों, मैंने इस तरफ ही बॉर्डर को लगा लिया है। अब आप देखें, मैंने इसके अंदर आपको स्टार्टिंग में बताया था आपको ब्रॉडनेस ज़्यादा रखनी है। मैंने ज़्यादा क्यों रखी, अब मैंने ये देखे थोड़ा आगे से लगाया ना बॉर्डर, तो एक इंच यहाँ से कम हो गया, ठीक है, एक यहाँ से कम हो गया। और मैंने 6 की जगह 8 इंच ब्रॉडनेस रखी तो यहाँ से कवर हो गया वो, और मैंने गला 1 इंच बड़ा रखा तो वो यहाँ से कवर हो गया, ठीक है। और ये वाली सिलाई हम खोल देंगे, उसके बाद इसकी यहाँ से हम कर लेंगे तुरपाई। तो ये देखें एकदम रेडीमेड स्टाइल से मैंने आपको वी गले के अंदर बॉर्डर लगाना बताया है, कितना प्यारा कितना सुंदर डिजाइन है ये, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक नए तरीके से आपको ये फोल्ड करना बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है फॉलो करें, इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। अब मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।